तो आ गए हैं हम अंदर, तो अंदर का नजारा तो यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट भी है 12 वर्ष पर 2 रुपये प्रौढ़ा सती 20 रुपये, बच्चों के लिए भी और बड़े के लिए भी टिकट है। प्रिकॉशन से जो आपको लेने होंगे, मतलब जैसे कि वेयर मास्क आज भी चल रहा है। तो अभी जा रहे हैं हम अंदर, कोई गलत सलत कुछ मत करना, सीसीटीवी भी लगा हुआ है। तो एंट्रेंस में जाते ही आपको दिखेगा सालों पुराना ये स्ट्रक्चर, शायद पहले यहाँ से पानी या फूल बरसाते होंगे लोग। नलदुर्ग फोर्ट का इतिहास लिखा गया है यहाँ पे। नलदुर्ग फोर्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्राउंड फोर्ट्स। फोर्ट का इतिहास देखा जाए तो 1400 से पहले बनाया गया है इसे, मतलब काफ़ी राजाओं ने इस पर अपनी हुकूमत की है, जैसे आदिल शाह, औरंगजेब। अब इसका नाम का इतिहास देखा जाए तो नल राजा कोई थे जिन्होंने इसे बनाया, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। फिक्स नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है। ये 2 तोहफे हैं, ये स्टार्टिंग में ही रखा गया है। और भी 2 बड़े बड़े तोहफे हैं जिनके नाम है, एक हत्ती तोफ, दूसरा है मगर तोफ, वो ऊपर है, मैं बताऊंगा। ये है हत्ती खाना। अभी यहाँ पे हत्ती खाना नाम दिए क्यों है पता नहीं, बंद है ना। इसका स्ट्रक्चर देख कितना मतलब पुराना है ना, 700 से 800 साल शायद इसको बनकर हो गए होंगे। और इसको काफी मजबूत पत्थरों में बनाया, जिसे बेसाल्ट रॉक कहा जाता है। अभी हर किले पे बेसाल्ट रॉक से ही उसे क्यों बनाया जाता है, तो उसके पीछे कई राज और कई फायदे भी है उसके। बेसाल्ट रॉक आम पत्थरों की तरह बिखरता नहीं टूट के, और गर्मियों के वक्त चाहे जितनी भी गर्मी हो, इन पत्थरों से बने घर के अंदर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये उसकी खासियत होती है बेसाल्ट रॉक की। ऊपर जाके देखते क्या है। आने जाने के लिए इसको रखा गया है 2.5 से 3 किलोमीटर जितना बड़ा एरिया है इसका पूरा कवर किया गया है। इतना खूबसूरत लग रहा है गार्डन, मतलब घूमने फिरने के लिए है ना। देखो गार्डन, लॉन्स भी काफी अच्छी सी है। ये कौन सा महल है, ये जानते हैं। ये तोफ का नाम और कोनी बसु ने देखिए यहाँ पर कई बड़े बड़ी तोफे हैं जिनके नाम भी है, हत्ती तोफ, मगर तोफ, ये उनमें से एक है। समय इससे वार की जाती थी कोर्ट में, शायद फैसले होते थे, पूरा नहीं मालूम, लेकिन कोर्ट मतलब तो यही होता है। हजारों साल पत्थरों से बने थे, किसी भी स्ट्रक्चर को कुछ
फर्क नहीं पड़ता। इस किले की शाही जामा मस्जिद है जैसे कि देख रहे हो, तहरता खाना भी है अंदर, लेकिन फिलहाल गेट बंद है इसलिए अंदर नहीं जा सकते। तो अभी जाएंगे हम बोटिंग करने के लिए इस तरफ, और यहाँ पर पानी पीना हो तो यहाँ पानी भी है। ठीक है, धूप में भी लोग काफ़ी घूमने आए। तो बोटिंग की ओर जा रहे हैं, लिखा हुआ है बोट जेट्टी, शायद नौका विहार को ही बोला जाता है। चलो अंदर चलते हैं। ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस फोर्ट, जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं बोटिंग। पता नहीं अभी चालू है या नहीं, लेकिन बोटिंग के प्राइजेस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। कॉमन बोट अडल्ट 105, स्पीड बोट अडल्ट 155, 255, जेट स्काई अलग अलग प्राइजेस पे है। सेफ गार्ड या जैकेट्स। बोरी रिवर किले के पास ही है, स्पीड बोटिंग भी कर सकते। इसका प्राइस 200-250 के आसपास कुछ है। दो तीन लोग कर रहे हैं, तो बोटिंग करेंगे नॉर्मल। जिंदगी में फर्स्ट टाइम बोटिंग करने वाला मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, सबसे पहले घबराना नहीं है। जैकेट डाल, जैकेट डालना, चले बच्चे का जैकेट डाले। फिर से बच्चे का। चलो गिराना नहीं। जय जय विकास। तो इतना टिकट 155 रुपए। मोटर बोटर भूकंप आ गया, ये भूकंप के झटके। तो बोटिंग का मजा लेना ना भूले। चलो तो बोटिंग हो गया, अभी और कुछ करते हैं। रानी महल, चलो देखते हैं रानी महल में क्या है। अभी आया हूँ मैं सबसे बड़े बुर्ज के ऊपर, जहाँ से पूरे किले पे नजर रखी जा सकती है। जब और यहाँ है दो तोफ जिसका नाम है
एक का हत्ती तोफ और ये है मगर तोफ। हाँ, तो ये है सबसे बड़ा बुर्ज जहाँ पर सिपाही ऊपर आके चारों ओर नजर रखते थे। यहाँ से पता चलता कौन किधर से अटैक कर रहा है, मतलब इतिहास में तो यही कहा गया किले का हर कोना दिखा गया चारों ओर। और कितने दूर तक फैला हुआ है भाई, 3 किलोमीटर। स्विमिंग पूल जैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ तालाब जैसा कुछ है, जानवरों के लिए पानी या फिर इसी नदी का पानी भी वो पीने के लिए यूज करते हैं लोग। ओके, किसी बात ऊपर से देखते हैं और थोड़ा ऊपर आओ। वाह, हरा भरा है सब। कितना वक्त लगा होगा इसे बनाने में और कितने लोगों ने मिलके बनाना होगा इसे। देख कहाँ तक फैला हुआ है, जहाँ देखो वहाँ बड़े बड़े फिसल पत्थर। वाटरफॉल की ओर चलते, आराम से आना है। ये गुफा है, ऐसा लग रहा है मैं खजाना ढूंढने जा रहा हूँ। मिल तो कुछ रहा नहीं, उल्टा मेरा 1 रुपया गुम गया। ए भाई कमजोर दिल वाले इसे ना देखे, बहुत बड़ा वाटरफॉल है। कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं।